आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। पंचतत्व में विलीन हुए शहीद मुकेश, कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने पार्थिव शरीर को दिया कंधा। अरुणाचल प्रदेश में 3 दिन पहले शहीद हुए काशीपुर के जवान का आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और यशपाल आर्य ने शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उत्तराखंड में पहली बार होगा ऐसा, महिलाएं आग बुझाते हुए नजर आएंगी। उत्तराखंड पुलिस में करीब 1800 कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का फैसला लिया गया। आने वाले समय में उत्तराखंड में पहली बार ऐसा होगा कि महिलाएं आग बुझाते नजर आएंगी। आपको बता दें कि बीते सोमवार को डीजीपी ने बैठक ली जिसमें पुलिस मुख्यालय में सोमवार को स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर कई फैसले लिए गए। बैठक बाद में सचिव नितेश झा और डीजीपी ने पीसी कर बताया कि पुलिस विभाग में सभी संवर्गों में प्रमोशन आगामी जनवरी तक पूरे कर लिए जाएंगे। साथ ही रेगुलर पुलिस, सशस्त्र पुलिस, फायर सर्विस और पीएसी में रिक्त हेड कांस्टेबल, उप निरीक्षकों व निरीक्षकों के पद जल्द भरे जाएंगे। सैनिकों की समस्याओं का समाधान कर रही त्रिवेंद्र सरकार, सैन्य धाम का सपना हो रहा साकार। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर उनके लिए योजनाएं बनाई हैं। सैनिक बाहुल्य राज होने के कारण राज्य में सैनिकों, पूर्व सैनिकों और सैनिक आश्रितों की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे में त्रिवेंद्र सरकार ने सैनिक और उनके परिवारों के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित की हैं। जहां सरकार ने सैनिकों के बच्चों के कोचिंग से लेकर रोजगार तक के द्वार खोले हैं, वहीं शहीद सैनिकों के सम्मान और उनके परिवारों की देखभाल की भी जिम्मेदारी ली है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर, स्कूलों में आए 19 मामले, प्रधानाचार्य, शिक्षक और छात्र शामिल। उत्तराखंड में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन में जहां प्रवासी उत्तराखंड आए तब मामले तेजी से बढ़े, लेकिन उसके बाद कोरोना का कहर कम हुआ। लेकिन फिर जैसे ही उत्तराखंड में 10वीं व 12वीं के लिए स्कूल खोले गए और कई तरह की छूटें दी गई, तब से एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते कुछ दिनों में एक दिन में 700 से ज्यादा मामले सामने आए। बीते दिन 496 मामले सामने आए, जिसमें से 19 मामले स्कूल से सामने आए। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी, उत्तरकाशी के युवा यहां कराएं टेस्ट। डीएम मयूर दीक्षित ने एक शानदार पहल की है। दरअसल 20 दिसंबर से 2 जनवरी तक कोटद्वार में सेना भर्ती रैली होनी है, जिसमें उत्तरकाशी जिले के युवाओं के लिए भी दिन तय किया गया है। भर्ती में उन्हीं युवाओं को शामिल किया जाएगा जो 72 से 96 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट लेकर आएंगे। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए तैयार पहाड़ों की रानी, बर्फबारी की संभावना। पहाड़ों की रानी मसूरी में नए साल और क्रिसमस के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं बदलते मौसम को देखते हुए बर्फबारी की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। सेना में जाना है तो हो जाइए तैयार, 28 दिसंबर से यहां है बंपर भर्ती रैली। बेरोजगार लेकिन देश की सेवा और सुरक्षा का जज्बा रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। अगर देश सेवा की नौकरी मिले तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। 28 दिसंबर से रानीखेत में सेना की भर्ती है। एटीएम बदलकर 2,24,000 ठगने वाला शातिर दिल्ली से गिरफ्तार। बीती 29 अक्टूबर को 2 लाख से ज्यादा की ठगी के मामले में आईटीआई थाना पुलिस ने पश्चिमी दिल्ली से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहा विपक्ष, अरविंद पांडे। कृषि कानूनों के समर्थन करते हुए कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे विपक्षी दलों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। उन्होंने कहा कि इस बिल से किसानों को खुला बाजार मिला है। ऋषिकेश में बिना नगर पालिका की इजाजत सेप्टिक टैंक अब नहीं होगा खाली। आपका घर अगर मुनि की रेती नगर पालिका क्षेत्र में है तो अपने घर का सेप्टिक टैंक आप बिना पालिका की अनुमति के खाली नहीं करा पाएंगे। इसके लिए बकायदा आपको नगर पालिका को सूचित करना होगा। निकाय की ओर से निर्धारित सेप्टिक टैंक ऑपरेटर आपके घर आकर टैंक को खाली करेगा। 16.62 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, भेजा जेल। खटीमा में पुलिस को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने एक तस्कर को 16.62 स्मैक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बेरीनाग और चौकोड़ी में अवैध निर्माण ध्वस्त, जारी रहेगी कार्रवाई। तहसील प्रशासन द्वारा विकास प्राधिकरण को नोटिस देने के बाद भी कुछ भवनों में नियमों को ताक में रखकर निर्माण कार्य किया जा रहा था। इस पर पिछले दिनों ने प्रशासन ने कार्रवाई करने की बात कही थी। मंगलवार को तहसील प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बेरीनाग और चौकोड़ी में अवैध तरीके से बन रहे एक दर्जन मकानों को ध्वस्त किया। रोड़की में एसपी देहात स्वप्न किशोर ने किया मंगलौर कोतवाली का निरीक्षण।
रुड़की के मंगलौर कोतवाली में एसपी देहात स्वप्न किशोर ने वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी शस्त्र व अभिलेखों के रखरखाव का भी निरीक्षण किया। साथ ही आगामी दिनों में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर भी कोतवाली का निरीक्षण किया गया और पुलिस कर्मियों को भी कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। घने कोहरे के चलते NH हाईवे पर पुलिस गश्त बढ़ाने जाने के निर्देश भी दिए गए। घने कोहरे के चलते सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जगह जगह रिफ्लेक्टर लगाए गए जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। एक्सक्लूसिव प्रयोगात्मक विषयों के बाद उत्तराखंड में अब सभी छात्रों के लिए खुलेंगे कॉलेज। प्रदेश में मंगलवार से प्रयोगात्मक विषय के छात्र छात्राओं के लिए कॉलेज खुलने के बाद सरकार की तैयारी अब सभी छात्रों के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालयों को खुलने की है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के मुताबिक कॉलेज खुलने के एक सप्ताह बाद इसकी समीक्षा की जाएगी जिसके बाद क्लास वाइज सभी छात्रों के लिए कॉलेजों को खोला जाएगा।